अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। और आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। तो जनाब, रमज़ान जो है वो जल्दी जल्दी गुजर रहा है और हमारी रूटीन्स भी उसके हिसाब से ट्यून इन है, लेकिन जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमें वापस उसी रूटीन की जानेब आना पड़ेगा। तो जितना मुश्किल अपनी आपको रूटीन में सेट करना होता है, उतना ही फिर ज़्यादा आसान होता है वापस अपनी पुरानी रूटीन में चले जाना। लेकिन कोई नहीं, ये रमज़ान तो वैसे भी साल में दफ़ा आता है, तो अगर हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में एक नस्ब ज़ब्त लाना शुरू कर दें तो वो डिसिप्लिन जो हमारी लाइफ के टाइम टेबल में आ जाता है, हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, वो किसी ना किसी तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट ही रखता है। तो आज की अच्छी बात जो मैं भी पढ़ के आती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ, तो आज मौला अली का कॉल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मौला अली फरमाते हैं कि हर उस चीज़ को तोड़ दो जिसको इंसान ने बनाया है, सिवाय उस चीज़ को, यानी कि इंसान का दिल मत तोड़ो क्योंकि उसे अल्लाह ने बनाया है। तो बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर अपने एटीट्यूड से, अपनी ज़बान से, अपने रवैयों से, अपने एक्शन से कई दफ़ा किसी दूसरे का दिल दुखा देते हैं। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि हकूकुल इबाद की माफ़ी बिल्कुल नहीं है और हकूकुल अल्लाह की माफ़ी है। तो कोशिश कीजिए कि किसी का दिल ना दुखाइए और आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो इसी के साथ ही चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जाने, और बहुत ज़रूरी है आपको ये दिखाना कि आज हमने आपके लिए कौन सी जगह चुनी है। तो चलते हैं इसकी जाने। तो जनाब, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मोती मस्जिद। इसको देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। कोट के अंदर और मोती मस्जिद को लेके अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं, क्योंकि खूबसूरत आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का। और इसी के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपको मिलवाने वाले हैं आज के मेहमानों से। इस जमीन पर खिजां के भी रंग हजार हैं, इसकी खुनकी में एक ठहराव है हसीसा। बाराने रहमत है, सामाने बरगोबार की तस्कीन, जमीन का मौसम से सजी है, हर एक रुत में मुनफरिद दिलकशी है। इसके खूबसूरत मौसम है इसकी पहचान, ये है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। दामन में समेटे अनगिनत राज, ये सहरा, बलखाती सड़कें, किरने बिखेरता सूरज।
रोशन सुबह की नवीद सुनाते ये चहचहाते परिंदे, सोना जीप को जिंदा रखे ये काफला, कुदरत के छुपे सियाहती, सकाफती और तारीखी मकामात को खोजेंगे हम, देखेंगे आप। ये है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान, प्यारा होगा लाहौर से नाश्ता, बरास्ता इस्लामाबाद, घुमाएगा नारान कागान, बनेगी कराची की हलीम और निहारी। वाह, सिंधी कल्चर तेरी तो बात है निराली, होगी बलोची सज्जी और रोज से मेजबानी, करेंगे गवादर की सैर, सुनाएंगे बलोच की तात, जरा संभल के भाई, जिसके चरसी तिक्के और दुम्बा कड़ाही ने पूरी दुनिया पे है धाक बिठाई। भाई क्या वक्त के बदलाव, ये है डिस्कवर पाकिस्तान। कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों का, ये रेतली जमीन, बुलंदो बाला कोसार, दास्ताने सफर सुनाता गवादर का नीला पानी, मुगलिया दौर के अक्कास, मस्जिद शाही कला की कदीमी और तारीखी कहानी, खोजेंगे है डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। देयर आर माउंटेन्स फॉर एवरी हाइकर, exclusive experiences, fall in love with the beauty that is Pakistan, discover the undiscovered with Discover Pakistan. जिसकी मट्टी से उम्मीद की कोपले फूटती हैं, जिसके शहर अम के गीत गाते हैं, जिसके गांव हरियालियों के सांस बजाते हैं, जिसके लोग मोहब्बत चाहत के धागों से बुने जाते हैं लगता है, जिसके पहाड़ अजमत की दास्तानें सुनाते हैं, जिसकी सरहदें दोस्ती को हाथ बढ़ाती हैं, एक मुल्क जो हम सबका ईमान है, एक मुल्क जो पाकिस्तान है, डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान। सफेद लिबादा ओढ़े ये हसीन वादियां, फलक बोस पहाड़, शफाफ झीलें, खेत खलियान, रिवायात के मंजिल की तरफ गामजन ये काफला, सयाहों की तवज्जो का मरकज ये दिलकश वादियां, हम दिखाएंगे आपको सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।
वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो नाज़रीन, गेस्ट का तारुफ तो मैं आपके साथ करवाऊंगी, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह मैंने बात की, जब मौला अली का कॉल मैंने शेयर किया कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसका मतलब एक ये भी है कि रमज़ान के अंदर हम कोशिश ये करते हैं कि हमसे वो गलतियाँ और वो गुनाह ना हों, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि चूँकि हमारा रोज़ा है तो हम झूठ ना बोलें, हमारा रोज़ा है तो हम कोई गलत काम ना करें। और फिर अक्सर लोग तो ये भी कर लेते हैं इफ्तार करने के बाद, फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने ये सब नहीं करना। बहरहाल मकसद ये है कि रमज़ान की प्रैक्टिस अल्लाह ताला की तरफ से इसलिए करवाई जाती है कि आप अपने आप को साफ़ करें, आपके अंदर जो कोताहियां हैं, जो गलतियां हैं, जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो ना करें। और इसीलिए ये एक महीने के अंदर आपकी कंसाइंस में ये बात लाजमी शामिल होती है कि आपका रोज़ा है तो आपने उस गलतकारियों की जानिब नहीं जाना। तो बेसिकली हम किस तरह असल में इसको अपनी ज़ात के साथ कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं बल्कि रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखें, इसी पर हमने सोचा कि आज हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन इकबाल साहिबा, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आज उन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। और इनके साथ मौजूद हैं, आप इन्हें भी बहुत दफ़ा मेरे प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, तबीबा मासूमा जहरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नेचुरोपैथ है, ऑक्यूपेंचरिस्ट हैं, तबीबा हैं, और मुख्तलिफ मसाइल का हल आपको इनकी जानिब से मिल सकता है, तिब की रोशनी में ये इलाज करती हैं, और आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन ग़िज़ाओं का और वज़न के हवाले से आज हम बात नहीं करने वाले आपसे, क्योंकि बहुत हमने इसमें हमने आपसे बातें कर ली। आज हम यही बात करेंगे कि जब हम रोज़े से होते हैं तो अक्सर ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमें मेंटल सुकून भी हो, लेकिन कुछ अजीब सा हो जाता है डॉक्टर साहिबा कि जब हमने रोज़ा रखा होता है तो जिस चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए हम अक्सर वही कर रहे होते हैं। चूँकि गर्मी बहुत है, हमें गुस्सा जो वैसे कम आता है हम बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, और पता चल रहा होता है कि इस बंदे का रोज़ा है इसलिए इसे गुस्सा आ रहा होता है। ये जो साइकोलॉजिकल चीज़ है या ये जो इम्पैक्ट है, ये क्यों हो जाता है, नहीं होना चाहिए इसे? सबसे पहले तो ये इकरा के रमज़ान मुबारक, और एक तो हम इमोशनल कौम है बहुत ज़्यादा, ये भी देखा जाए कि जो हमारी ट्रेनिंग जो है ईयर्स ईयर्स में होती है वो फिर अंदर जब एक महीना आता है उसमें एकदम ऑब्वियसली हम वी कैन नॉट स्विच बैक इट टू दी कि जी हम बिल्कुल जो है नॉर्मल हो जाएं। नो डाउट एक इमोशनल कौम है। नंबर दो, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर थ्री जो है, हमारे यहाँ माशाल्लाह अफ्तारियाँ जो हैं वो बड़ी हैवी किस्म की घर में बनाई जाती हैं, और ख़वातीन को मेरा ख्याल है ज़्यादा किचन में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो यही वजह है कि ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है थोड़ा सा ज़रा थोड़ा सा हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जिसको हम कहते हैं, हमें वो उसको एक्टिवेट भी कर देता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ख्याल है कि हम, आपने अभी शुरू में बात की प्रैक्टिस की बात की, तो मैं अपनी यंग जनरेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंपोनेंट एक्सप्लेन करूँगी नफ्सियाती हवाले से, कि हम जब भी कोई काम नया सीखते हैं, चाहे वो आपकी ड्राइविंग है, कुकिंग है, या कोई आपकी और भी हैबिट्स हो, जब तक हम उसको रिपीट नहीं करते, रेपिटेटिवली हम नहीं उस एक्ट को करते, तब तक वो हमारी हैबिट नहीं बनती। और जब वो हैबिट बन जाती है तो ग्रेजुअली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती है। आपने कहा शुरू इंट्रो में बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग वैसे झूठ बोलते हैं, रमज़ान में हम कोशिश करते हैं, रोज़ा खुल जाता है, हम फिर जो है वो द रीज़न, जो कि एक गलत चीज़ है अगर देखा जाए। हमें चाहिए कि ये हम कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आपने रोज़े में झूठ नहीं बोलना, रोज़े में आपने कोई गलत काम नहीं करना, दैट मीन्स अदरवाइज आप काम वो काम कर सकते हैं, तो आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमें झूठ बोलना वैसे ही, या गलत काम करना, या मिलावट करना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, या गाली गलोच देना गुस्से में, आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर किस तरीके से, रोज़ा नाम ही पेशेंस का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि जब हम बड़े उस तरह से बिहेव नहीं करते तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से लर्न नहीं करते। आप अगर देखें कि फैमिली के अंदर, आई हैव सीन के पेरेंट्स बच्चों को कह रहे होते हैं झूठ ना बोले, खुद बोल रहे होते हैं, बच्चों को कहते हैं बदतमीज़ी नहीं करनी, लेकिन आपस में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज़ के रमज़ान नो डाउट
क्लेंजिंग का हमें एक मौका मिलता है, क्लेंजिंग ऑफ सोल, क्लेंजिंग ऑफ थॉट्स। जैसे हम आम दिनों में अपने बाल कटवाते हैं, अपने नेल्स काटते हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह। और एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, ये भी स्पेशली अपने बच्चों के लिए, कि हम सारा साल पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम थोड़ा सा बैठ के ज़्यादा स्टडी करते हैं, हम ज़रा जो सारे साल में पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ करते हैं। सिमिलरली हम जब पूरा साल हमारी बॉडी, हमारी हर चीज़ जो है वो काम कर रही होती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, हम दुनियावी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, ये एक महीना क्या होता है कि ये हम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं टू आर सोल, टू आर थाट्स। क्योंकि फिर वही बात है कि जब ये आम आपकी टेबल है और इसके ऊपर जब डस्ट पड़ेगी तो उसको क्लीन करेंगे। सिमिलरली हमारी थाट्स क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम दुनियावी कामों में इतने मसरूफ होते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर धूल मट्टी बहुत जम एक वे में देते हैं, नमाज रेगुलरली पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और चीज़ों की तरफ, तो दिस इज़ द रिवीजन जो हम रिवाइज कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आपने बात की कि बाकी काम जो है सारा साल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन ये एक प्रैक्टिस का महीना है जो हमें रिफ्रेश कर देता है सब चीज़ों को। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं सुबह ज़रा साहब, हम अक्सर आप ऑक्यूपेंचर भी करती हैं, डाइट प्लान भी बताती हैं, डाइट का भी कोई ताल्लुक होता है ज़हनी सुकून से रमज़ान से, कि आप बहुत ज़्यादा में जब भी हम खुराक की बात करते हैं ना तो हम इसको रमज़ान को खाने का महीना बना लेते हैं, जबकि परवरदिगार आलम ने इसी को खाना रोकने का महीना बनाया है। ये गलत प्रैक्टिस है कि हम फौरन मुरगन गज़ाओं को खाएं और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो फिर आपको गैसेस की तरफ लेके जाए, आपके अंदर वात बढ़ाए। वात मतलब हमारी वेद के अंदर कहा जाता है कि एक्सेस गैसेस जितनी भी हैं वो शैतानी वसवसा पैदा करती हैं। अब शैतानी वसवसा क्या है, आपने बड़ी बूढ़ियों को सुना होगा कि जी दिमाग ते गैस चढ़ गई है। अब वो जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गैस है ना, वो अगर वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बिल्कुल ठीक है। मेडिकली जब आप ओवरडू खाना खाते हो तो ऐसे में आपकी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट होती है, आपकी ब्रेन फॉगीनेस होना, आपको कॉन्सेंट्रेशन स्पैन का कम होना, गुस्से का ज़्यादा आना, वो तली हुई अशिया के साथ मैटर करता है। हम कह रहे हैं ना रमज़ान में गुस्सा आता है क्योंकि रमज़ान में हमारा पानी कम हो जाता है, हम डिहाइड्रेट होते हैं। फिर रमज़ान में डिहाइड्रेशन के साथ साथ हम ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें पानी का ज़रूरत ज़्यादा है। हम तली हुई अशिया खाते हैं, हम ये नहीं कहते कि ऐसी कोई फ्रूट्स ले लें जिसमें पानी हो ज़्यादा, हम उन चीज़ों की तरफ हाथ बढ़ाते हैं जो इट्सेल्फ पानी मांगती हैं, तो वो सोने पे सुहागा का काम करते हैं और फिर गुस्सा तो डेफिनेटली आना ही आना है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि इमोशंस, मेरी फील्ड में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो इनर ऑर्गन का अलार्म सिस्टम है। फॉर मी अगर कोई डिप्रेशन में आएगा तो वो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन डेफिशिएंट एनर्जी का पेशेंट है, तो पहले मैं ये देखूंगी कि उसके अगर डिप्रेशन दूर करनी है तो क्या उसको कब्ज़ या IBS का इशू तो नहीं है, अगर वो है तो वो ठीक करना है। इसी तरह UTI, ख़वातीन को UTI के साथ रहना सीखने का कहा जाता है कि आप जी अगर हो गई है तो अब ये आपके साथ साथ रहेगी, हर वक्त फंसे हुए। मेरे लिए किडनी एंड ब्लैडर इमोशन, इसका इमोशन है फियर। आप देखो मर्दों में UTI इतना नहीं होता जितनी ख़वातीन में होता है, क्योंकि वो इमोशनली फिज़िकली एक फियर फैक्टर से गुजर रही होती हैं, बाप का डर, भाई का डर, मियाँ का डर, ससुराल का डर, मेके का डर, डिस्कस ही नहीं करते। अब वो मेरे लिए जितने भी इमोशंस हैं, मेरी फील कहती है कि वो आपके इनर ऑर्गन को बुरी तरह से तकलीफ में लेके जा रहे हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। सो जितनी खवातीन आती हैं अगर वो UTI की कंप्लेन करके आ रही हैं, कि ऑब्वियसली बींग अ तबीब शायद मैं थर्ड ऑप्शन हूँ, कंसल्टेशन के बाद स्पेसिफिक GP के पास जाने के बाद एक कंसल्टेंट के पास जाएंगे, एक हेमोपैथ, फिर तबीब भी बीच में आता है, लेकिन बीइंग एन एक्यूपंक्चरिस्ट आई एम द लास्ट चॉइस। जब सब तरह से थक के आएंगे तो दे'ल कम टू मी, और मेरा पहला सवाल ये होता है मुझे बताओ डर किस बात का है। डर निकालोगे तो ठीक होगे। अब रमज़ान क्या है, खौफ से निकलने का। खौफ क्या है, मैं हमेशा कहती हूँ तवक्कल की कमी को खौफ कहते हैं। हम डरते कब हैं, जब हमें उस पर भरोसा नहीं होता। हम गुस्से में कब आएंगे, हम एजिटेटेड कब होंगे, जब हमारा तवक्कल कम होगा। तो रमज़ान तवक्कल का महीना, उसको प्रैक्टिस का, जैसे उन्होंने कहा कि ये एक प्रैक्टिस का महीना है, हम रिवीजन कर रहे हैं कि हमने अगले 11 महीने माइंड बॉडी एंड सोल को कैसे लेके चलना है। तो वो क्या है कि जिस तरह आप खाने का कह रहे हो, खाने में पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका लिवर हाइपर एक्टिविटी की तरफ ना जाए। फिर आ गया एंगर,
एंगर मेरे लिए लिवर की एक्टिवेशन का नाम है, यानी लिवर हाइपर एक्टिव होगा तो बंदे को गुस्से बहुत आएंगे। अब रमज़ान इसका एक खास एग्जाम्पल है कि इधर पानी की कमी हुई, उधर जॉन्डिस में क्या होता है, आपको पानी ज़्यादा देना होता है। लिवर को जब भी नरिश करना है पानी दो। हदीस पाक क्या है, तुम्हें गुस्सा आ जाए अपनी जगह बदल लो या पानी पीने लग जाओ। सो पानी इलाज है लिवर का और इमोशन एंगर है लिवर के साथ। तो आपका खाना पीना और आपकी सोच, आपका इन्वायरमेंट आपके इनर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, वरना आप गुस्से हो जाते, वो क्यों हराम कहता, वो तो रब है, उसे रब रहना है। वो आपके लिए जिस चीज़ को हराम बक कह रहा है, वो हमारी ज़ात हमारे जिस्म के लिए बुरा है। गुस्सा हमेशा लिवर को ख़राब करता है, लिवर मेटाबॉलिज्म को देखता है, तो फिर अब आप मोटे भी हो गए, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हो सकती हैं, आपकी नरिशमेंट पूरी नहीं होगी। बेसिकली ये जो आपके मूड स्विंग डिफरेंट आते हैं, ये बीमारियों का बाइस ही बनते हैं, ये बीमारियों का बाइस बनते हैं और ये किसी बीमारी का अलार्म भी है। आप जिसको मूड स्विंग कह रहे हो, तो ठीक है, जाके देखो कि यूट्रस को क्या हो रहा है ख्वातीन में। अगर मूड स्विंग्स मर्दों में आ रहे हैं तो प्रोस्टेट को तो नहीं कोई इशू हो रहा। सो ये एक अलार्म सिस्टम है, उसको डील करते हुए मूड्स इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वो बेहतर रहता है। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो चीज़ है कि चलिए अगर हम थोड़ी देर ये सोच लें रमज़ान है कि बाकी सारे ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट गेट्स डिस्टर्ब, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का एज में बच्चे बच्चे आते हैं तो उनको ज़रा हाइपर हो जाते हैं, उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि उनके जो 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 सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, हर चीज़ पीक के ऊपर होती है, दैट्स व्हाई दे एक्सपीरियंस इट मोर। वहाँ पर टीन एज के बाद, 20 के बाद, अगर आपको लगता है कि नहीं स्टिल गुस्सा बहुत ज़्यादा है या कुछ है, तो आई थिंक देन द नीड होती है कि आप कंसल्टेंट से। अगेन दो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि क्या घर के अंदर माहौल ही ऐसा है, एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पर बच्चा देख रहा है कि हर कोई भां भां करके बोल रहा है, शाउट कर रहा है सारा कुछ, या उसकी कोई पर्सनालिटी अपनी जो है उसमें कोई ऐसा फैक्टर है। तो एक दिन आता है तो वो सैंपल के अगर जैसे कि मैं भी यस ये खौफ है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी फोन से मैं बाहर नहीं आ रही कि मैंने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है, मैंने अपना जिम जो है वो कैसे करना है, अपनी वॉक मैंने जो है वो कैसे करनी है, नोइंग द फैक्ट कि आई हैव अ टेंडेंसी फॉर द ओबेसिटी यू सी एंड आई कॉन्ट अफोर्ड इट, वो जो डर है ना बेसिकली। और अब जब मुझे दो चार और लोगों से कमेंट्स मिलेंगे तो अब आई विल स्विच बैक टू यू सी टू रिड्यूस माय वेट। वो जो खौफ है समटाइम्स दैट खौफ वर्क्स एज पॉजिटिव, हमें लगता नहीं, बट वो खौफ जो है ना समटाइम्स दैट फियर दैट लीड्स टू, फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर अलार्म्स हो रहे हैं और अब आपको लगता है कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग डेली लाइफ की जो है डिस्टर्ब हो रही है, वहाँ पर फिर आपको अलार्म एक बजता है आपके अंदर, घंटी रेड वो जो बजती है कि हाँ यार नाउ देयर इज अ टाइम टू गो फॉर द टेस्ट एंड टू कंसल्ट अ रेलेवेंट जो भी आपका कंसल्टेंट है। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जिसको आपने ना कम्फर्ट जोन से हम लोग बाहर नहीं आते, ईद के अगले दिन ही खाने मुर्गन गजाएँ, एक स्टमक की अगर आप NLP टेक्निक जो हम करते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो एक मैदा आपसे अगर एक बात कर रहा हो, आपका फॉर एग्जांपल आपका और मेरा मैदा है और वो हमसे बात कर रहा हो और वो हमें कहीं ना कहीं अब्यूज़ कर रहा है कि आप लोग ने मुझे इतने दिन खाने को नहीं दिया और अगले दिन आपने एकदम ओवरडोज कर दिया है। आम दिनों में जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, वॉमिट की फीलिंग होती है, अनकम्फर्टेबल होते हैं, सिमिलरली द स्टमक गेट्स अपसेट, स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब्ड हो जाता है सारा, जाहिर है रोज़े की रूटीन की वजह से, और अनफॉर्चुनेटली हम उस रूटीन को कंटिन्यू नहीं करते, फजर के टाइम उठना, वॉक करना, दैट्स द बेस्ट टाइम व्हेन वी कैन कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अपना दिन का आगाज़ सुबह 7 बजे, आप बाहर के मुल्कों में देखें लोग वहाँ पर सुबह 6 बजे उठ के अपना, एंड बाई 8 o'clock दे आर एट देयर वर्क प्लेस, और रात को बाई 10 o'clock दे आर एट देयर बेड्स। हमारे यहाँ तो रात शुरू ही होती है ना, 10 बजे डिनर्स होते हैं और उसके बाद। तो आई थिंक ये जो अल्लाह ताला ने एक प्रैक्टिस है कि मगरिब के टाइम आप खाएं, और वैसे भी आप देखें कि जितने डाइट्रिशियंस हैं वो ये भी कहते हैं कि मगरिब के बाद ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आपकी बॉडी की एक ऑर्गन क्लॉक है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, एनर्जी आपकी स्प्रेड हो, क्योंकि जिससे हम बींग इन ट्रेडिशनल मेडिसिन उसके अंदर हम कहते हैं कि आपकी एक बॉडी है जो फिजिकल बॉडी, जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं। सो एनर्जी जो क्लॉक है हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, उसमें ये है कि सुबह 3 बजे से 7 बजे तक लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आपकी एनर्जी का फोकस होता है। सो अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो हमारे लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन की वर्किंग कंडीशन बेहतर होती है। फिर एनर्जी में जो फोकस ऑफ एनर्जी है वो 7 बजे से 11 बजे तक आपके स्टमक और स्प्लीन में होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपका बेस्ट जो खाना है,
जो आपने मुर्गन खाना खाना भी है या आपको जो लगता है कि आपको फुल मील लेना है, तो वो सुबह का टाइम होना चाहिए 11 बजे से पहले का। आप अच्छा काम किया, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको सिर्फ एक ग्लास पानी पीना चाहिए। मैक्सिमम पानी पीने का टाइम आपकी एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 बजे से रात 7 बजे तक किडनी एंड ब्लैडर के पास एनर्जी होती है। अब आप उसको पानी प्रोवाइड करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में काम करेगा। सो अल्लाह ने आपकी बॉडी को ना एक टाइम के साथ चलाया है और उस टाइम में डिवाइड किया आपकी एनर्जी ताकि आपके ऑर्गन्स रिपेयर होते रहें। रात का 11 बजे से 3 बजे तक का टाइम लिवर और गॉल ब्लैडर का है। अब लिवर एंड गॉल ब्लैडर जब रेस्ट मोड पे होता है देन इट वर्क्स बेटर। अगर हम रात को जाकेंगे तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा। अच्छा, यहाँ पे ये वाली बात मैं थोड़ी सी आपकी कंटिन्यू करूँगी कि आपने जिस तरह बताया कि रेस्ट का टाइम है उन ऑर्गन्स का, बट वो नहीं देते, ट्रेंड्स बदल रहे हैं टाइम के साथ। एग्जैक्टली अब होता ये है कि इफ्तारी के बाद लोग सोते ही नहीं है और उसके बाद कोशिश करते हैं कि सहरी जितनी हल्की रखी जाए उतनी बुफेज, और उस चीज़ का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छी ये बुरी की हम बात नहीं करें, बट टाइम चेंजिंग के साथ अब आप समझती हैं कि ये जो ट्रेंड्स हैं ये ज़्यादा आपको बीमारी की तरफ या फिर मेंटल इंबैलेंस की तरफ लेके जाते हैं? ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, अदरवाइज भी आप देखें, जैसे मैंने कहा कि अब रात में अगर आप किसी को कहते हैं, जैसे मेरे पास स्लीप डिसऑर्डर्स इंसोम्निया के या कुछ और लोग आते हैं जिनको स्लीप इश्यूज़ होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी 12-1 बजे तक, अच्छा ये तो इट्स टू अर्ली। यू सी, अगर उन्हें कभी कह दो कि आप 10 बजे या 11 बजे, मैंने एक्चुअली स्टूडेंट्स को कहा कि आप यू ट्राई टू स्लीप अर्ली, तो वो कहते हैं नहीं 12-12.5 बजे तो इट्स अर्ली, यू सी अभी हम इतना। ये जो आपने बात की ना कि रमज़ान के अंदर स्पेशली अगर रोज़ा रखना है तो ये अब एक नया स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा आ गया है लैपटॉप्स या मोबाइल्स के ऊपर या टैबलेट्स के ऊपर कि लोग क्या करते हैं, सहरी तक जागते हैं। सहरी तक जागते हैं, उसके बाद फिर वो सुबह में जो है वो सोते हैं। एंड यू कैन वेल इमेजिन कि उसके बाद कितना मुश्किल होता होगा स्विच बैक करना। आपने कहा मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्लीप आपकी है दैट इज़ वन ऑफ द 5 बेसिक नीड्स जो हम बात करते हैं, दैट इज़ फन वन ऑफ द 5 बेसिक नीड्स। और ये कहा गया है कि ख़वातीन के लिए, लोगों को पता होना चाहिए कि फीमेल्स हैं दे नीड मोर स्लीप टाइम एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जो मेल्स के लिए रखा जाता है 6 to 7 hours, फीमेल्स के लिए मिनिमम 8 hours इज़ मस्ट। बिल्कुल। और रमज़ान के अंदर ख़वातीन का जो थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा आता है, उसकी एक वजह ये भी होती है उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। तो मेरा ख्याल है कि घरों के अंदर ये जो शेयरिंग ऑफ टास्क है स्पेशली रमज़ान के अंदर सहरी और इफ्तारी, द फीमेल्स गेट टू मच एग्जॉस्टेड, स्पेशली जिन घरों के अंदर हेल्प प्रोवाइडेड नहीं होती वहाँ पर भी, तो थोड़ा सा शेयरिंग ऑफ टास्क जो है वो रखना चाहिए। हमें याद है बचपन में होते होते थे तो हमारी ड्यूटीज़ होती थी, दस्तरखान किसने बिछाना है, प्लेट्स रखनी है, किसने लस्सी बनानी है, किसने शरबत बनाना है, तो छोटे छोटे टास्क जो थे वो डिवाइड किए जाते थे। तो आपने जो बात की ना स्लीप की इकरा, ये तो अदरवाइज इट इज़ इम्पैक्ट, इट इज़ हैविंग अ वेरी डिजास्टर्स सॉर्ट ऑफ इसका इम्पैक्ट आ रहा है स्पेशली यंग जनरेशन के ऊपर। आप सोचें कि अगर सुबह 9 o'clock यूनिवर्सिटी में क्लास है, कॉलेज में क्लास है, और जो स्टूडेंट्स को मैं उनसे पूछती हूँ तो रात के 1-1, 2-2 बजे तक सोते हैं, और उसके बाद तो आप क्या उनसे इमेजिन करेंगी कि उनके बाद उनको डिप्रेशन नहीं होएगा, उनके मूड फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। मैं खुद चूँकि मेरा पढ़ाने से ताल्लुक है तो आई हैव सीन कि क्लास के अंदर द स्टूडेंट्स दे अवॉइड मॉर्निंग क्लासेस और वो सो रहे हुए होते हैं एंड दे आर हार्डली बॉदर्ड कि वो समटाइम्स तो लगता है उन्होंने ब्रश भी नहीं किया हुआ। तो ये जो डिजिटल दौर के साथ ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये मेरा ख्याल है जहाँ इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, स्लीप साइकिल को हमें जो बायो जो भी या एपिलेप्सी